मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला अस्पताल व रेलवे स्टेशन पर बने रैन बसेरों का निरीक्षण किया तथा वहां से ठंड से पीड़ित लोगों को इससे बचाव के लिए संबंधित रैन बसेरों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लगातार पड़ रही ठंड को देखते हुए प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल तथा जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने गरीबों को कंबल भी बांटे। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित कुमार सिंह व नगर मजिस्ट्रेट अतुल कुमार जिलाधिकारी के साथ मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव ने कहा कि सरकार के द्वारा लोगों को ठंड से बचने के लिए हर जिले में रैन बसेरे बनाए हुए हैं और सरकार का मकसद है कि गरीबों को ठंड से राहत दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाए और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु ठंड से न हो पाए। इसी को देखते हुए नगर में विभिन्न जगह पर कंबल का वितरण किया गया और सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं की भी लोगों को जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ये संकल्प लिया गया है कि कोई भी आश्रयहीन व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति उसकी मृत्यु इस कारण से ना हो कि उसको ठंड लग गई या उसके पास ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं था। इसी निमित्त मुजफ्फरनगर में भी आज जिलाधिकारी के द्वारा, हमारे द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो रामला टीले पर या आश्रय केंद्र पर और अन्य स्थानों पर ज़िले भर में कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, तो जो ऐसे आश्रयहीन लोग हैं, निर्धन लोग हैं, उनको कंबल वितरण करके और सबको ठंड से मुक्ति के लिए ये योजना चल रही है और सभी को साथ साथ सरकारी योजना की भी जानकारी दी गई, उसे मकान के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन, ऐसी हर प्रकार की सुविधाएँ जो सरकार की चल रही हैं उन सब की भी योजनाओं की जानकारी सब लोगों को दी गई। आश्रय केंद्र बनवाए यहाँ पर, ये हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश पर आश्रय केंद्र बनवाए, जितने भी लोग रात को यहाँ रुकते हैं, मजदूरी करने के लिए आते हैं, कहीं और से आते हैं, रात को यहाँ रुकते हैं, यहाँ उनके आवास की संपूर्ण व्यवस्था इसी को देख लेंगे।